दोस्तों जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर आज एक और नई मूवी रिलीज हो चुकी है। आप सभी को पता है इन लोग भाई अनस्टॉपेबल है, बैक टू बैक मूवी रिलीज कर रहे हैं। मूवी का नाम है इश्क ए नादान। इस मूवी के लिए मैं पर्सनली इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि इस मूवी की स्टार कास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नीना गुप्ता, मोहित रैना, श्रेया पिलगांवकर और भाई लारा दत्ता और भी कई ज्यादा सुपर लोग इस मूवी में प्रेजेंट है। मूवी की ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे की है। क्या इस मूवी को देखना चाहिए, क्या कुछ स्टोरी है, तो अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी हमें मुंबई शहर में दिखाई गई है, यहाँ पर जो हमारी नीना गुप्ता मैम है वो चारू लता का कैरेक्टर प्ले कर रही है। उनका बेटा रहता है मुंबई में, मुंबई में काफ़ी हाई फाई है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस वगैरह भी करते तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। जहाँ पर चारू लता जो मैम है वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उनका जो नेचर है गांव से आए तो वहाँ का नेचर भी देखकर उन लोगों को जज करती है। और उनका बेटा एक हाई फाई सोसाइटी और 7th फ्लोर बंगलो, मतलब बंगलो बोलते फ्लैट में रहता है और वहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें होती है वो आपको देखने को मिलता है। उसकी वाइफ का किस तरह से, हालांकि दोस्तों सबका ही नेचर काफ़ी ज़्यादा हम्बल तरीके से दिखाया गया है, लेकिन स्टोरी में कुछ कुछ चीज़ें छुपी हुई है जिसको जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा। इसके दूसरी तरफ दोस्तों हमें स्टोरी दिखाई गई है हमारे मोहित रैना की, जो कि आशुतोष का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लारी दत्ता के साथ उनका जो है काइंड ऑफ पेयरिंग दिखाई गई है, जो कि निमोना का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि उनके ऑफिस में मतलब काम करते हैं। और दोस्तों ये ऑफिस में ये सारी चीज़ें कैसी होती है, इनकी भी स्टोरी भाई जैसे बताया लव स्टोरी, वो आगे आपको मूवी में देखने को मिलती है। श्रेया पिलगांवकर की भी स्टोरी देखने को मिली है, जो कि भाई उनके एक्स के साथ उनका ब्रेकअप पहले ही हो चुका है और वो लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो उनके भी दोस्तों किस तरीके से स्टोरी है। ओवरऑल ये 2-3 स्टोरी दोस्तों कंबाइन काइंड ऑफ जोड़ के आगे मतलब कहानी बनाई गई है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग लगेंगी। अब बात आती है दोस्तों इस मूवी को देखना चाहिए भी या नहीं। दोस्तों मूवी में आपको कॉमेडी ज़्यादा नजर नहीं आएंगी, आपको एक काइंड ऑफ कंपेटेबिलिटी देखने को मिलेंगे, रिलेशंस देखने को मिलेंगे, जो कि इस मूवी में काइंड ऑफ एंगेजिंग लगते हैं आप देखने में, मतलब देखोगे ऐसा नहीं कि भाई आधे से छोड़ दोगे। तो ओवरऑल काइंड ऑफ एक अच्छी मूवी में एवरेज मूवी मैं ऐसे कहना चाहूँगा, जो कि आप इन्जॉय कर सकते हो क्योंकि जियो सिनेमा में फ्री में अवेलेबल है और स्टार कास्ट की एक्टिंग और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डायरेक्शन और राइटिंग भी ठीक ठाक मैं ऐसे बोलना चाहूँगा। क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, अगर आप प्लान कर रहे हो कमेंट में बता देना। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।